बोल रही है वो छलांग लगा रही है और होगा कोई से मकान भी नहीं बना पता नहीं बड़ी बात है सब जो तबाह होगा ना फिर कहीं अलग मरी जाती है गई 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 ये नंबर उसका भी आएगा सफेद का भी इसके बाद देखना अपने ये स्कोर आ रहे हैं कितना पुराना है ये 2013-14 बारह कौन सही हो टूट रहा है 2017 के बाद पर एक बात बताओ जब यहाँ पर कोई था ही नहीं पेपर वगैरह दिखाने के लिए तो इन्होंने कंसिडर कैसे कर दिया 2017 से पहले छोटे वाला तो सारा हिल रहा है सारा हिल रहा है यहाँ कितना 25 गज होगा ये ना इस लेके कितने अरमान से बनाया हाँ गौरव हाँ कई सालों से निर्माणाधीन है क्या रुका हुआ क्या है आसपास के लोगों की राय ठीक है नहीं यार वो सीढ़ी को दिया वो इंस्पेक्शन करने आई है बढ़िया काम अपना पीटीसी कम बोलो ना आप जनता से पूछो ना क्या स्थिति है कब से बन रहा है अंडरपास या फ्लाई ओवर है वो देख लेना एक बार ठीक है कुछ फिनिशिंग या कुछ काम बाकी है चालू तो नहीं हुआ पता कर लो फिर कौन सा है वो ठीक है
हवा भी चला ली भैया हर सी। ना मैं बड़े वाले तो कई देर से लग रहा था भैया। गुलाले कर ले फिर अभी, नहीं तो फिर वो भी निकल जाएगा। वो बड़े वाले या छोटे वाले की? बड़े वाले की जो चल करने लगा। अच्छा, ऑनर आई थी थोड़ा सा और फिर बात था वो भी मशीन में चालू है वही रास्ते में ले लिया। खाली पर नंबर ज्यादा लगा रहे ना इसमें, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अभी मुझे पूछना आई है वो जो घर है ना पांडे का वो जबरदस्त ये तो बहुत, ये तो वो रखा है, ये इतना थोड़ी कर सकते हैं ये पुलिस वाले। लेकिन फोर्स जबरदस्ती पुलिंग थोड़ी कर सकती है घर में से निकाल के। अरे बात मत बोल, कुछ कर। हां जबरदस्ती
वालों से कैसे क्या कुछ है यार, सील कर दो। देखो सील कर सकते हैं वापस, जबरदस्ती बाहर निकालना गलत है क्योंकि इनके उसमें भी जो ये देखो ये इसको भी खाली करवा रहे हैं सफेद वाले, सफेद वाले को भी कह रहे हैं खाली करने, जबरदस्ती वो कूद रहे हो कह रहा है लड़का, पीली टी शर्ट पहना था, पीली शर्ट पहना कूद रहे हो कह रहा है सकता है ये, फिर वो कूद के बेचारा करेगा क्या, उसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कूद के इस तरीके से पीछे मुड़ा वैसे ही गिर गया, पता नहीं इस पे तो आया होगा, मैं तो खड़े मोबाइल से कर बस, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कल तो सब जाएगा, बस इसी नज़र में डाल रहा हूँ मैं। कॉलोनी है यहाँ पर, दिल्ली गवर्नमेंट ने जल बोर्ड का पानी दे रखा है और दिल्ली सरकार ने यहाँ पर रोड और नाले दे रखे हैं और यहाँ पर गैस की लाइन की सुविधा दे रखी है, फिर भी हम लोगों के दिल पर इन लोगों ने बुलडोजर चला रखा है। हम लोगों की खता क्या, आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे बच्चे आज डर के मारे दिल को थाम करके ना खाना ना पीना ऐसे बैठे हैं जैसे कि हम मुर्दा हो चुके हैं। इस तरह के पोजीशन पर लाकर के खड़ा कर दिया है जैसे कि हम हिंदुस्तान नहीं हम आतंकवादी हैं, इस तरीके के माहौल में इन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया। और मैं चाहूँगा प्रशासन से, इस देश से, सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, हम लोगों को बचाया जाए। हम बहुत मजबूर हैं, आत्महत्या करने पर हम मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमारे आगे कोई आशियाना नहीं है आगे कर खाने का। हमारे सर हम लोग अगर किसी DDA के अफसर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो सब पुलिस फोर्स हमको वहाँ पर जाने नहीं दे रही, और पुलिस फोर्स की अगर बात करूँ तो इतनी आदि कॉलोनी हमारी कॉलोनी में हमारी आज पुलिस फोर्स है।